श्री राम, आप सबों को रामनवमी की ढेरों शुभकामनाएं। जय श्री राम। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और पूरे परिवार को। माता रानी हमेशा आप सबके साथ रहे। थैंक यू सो मच। हैप्पी नवरात्रि और हमेशा स्वस्थ रहिए और माता रानी हमेशा आप सबके साथ रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप संडे आप लोग का बहुत अच्छा बीत रहा होगा। जैसे कि आप लोग मुझे देख सकते हैं, मैं काफ़ी पसीना बहा रही हूँ। ये पसीना एक्सरसाइज का नहीं है। एक्चुअली आज ऐसा हुआ कि मैंने मॉम से कहा कि आज किया क्या जाए, आज तो कहीं जा नहीं सकते। तो मेरी मॉम ने कहा कि जितना पसीना तुम जिम में जाके बहा देती हो, उससे कहीं ज़्यादा पसीना घर की औरतें घर का काम करके बहाती हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, आज हम भी देख लेते हैं। मम्मी ने दे दी मुझे साफ़ सफाई की जिम्मेदारी आज की। मैं पोछा कर रही हूँ, झाड़ू लगा चुकी हूँ, अभी पोछा चल रहा है। आप लोग कैसे बिता रहे हैं अपना दिन, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं भी जानूं कि आप लोग क्या कर रहे हैं। और याद है ना, आज घर से कहीं नहीं जाना है। नमस्कार, प्रणाम। मैं खेसारी लाल यादव। बस्ती बस्ती में हर आग कैद हस्ती हो गई, आज फिर ज़िंदगी महंगी और दौलत सस्ती हो गई। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये महामारी हम जितना आसान समझ रहे हैं उतनी है नहीं, और हर आदमी आज लॉकडाउन में घर पे बैठा है। आप घर बैठकर अपने परिवार का रक्षा कर सकते हैं, अपने देश का रक्षा कर सकते हैं। आपको अपने घर की आर्मी बनके अपने घर में ही रहना है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट और निवेदन करता हूँ कि हमारे पास वो व्यवस्था आज नहीं है जो इटली और जर्मनी में और फ्रांस में है, उसके बावजूद भी वहाँ की स्थिति बड़ी दयनीय है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप अपने घर में रहिए, और घर में रहकर और देश का भला करिए, अपने परिवार का रक्षा करिए। और बस आप मुझे अगर प्यार करते हैं तो आप मेरे बातों को ज़रूर मानेंगे। दिल से प्रणाम आप सबको कि आप खुश रहें, कुशल रहें। आप हैं तो हमारी ज़िंदगी है, और हम हैं तो हमारी परिवार की ज़िंदगी है और हमारा देश है। तो जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री ने आप सबसे अपील, एक राजा होकर उन्होंने अपील किया, हाथ छोड़ा, तो उनके मर्यादा को ज़रूर रखना है आप सबको। और अपने घर में रह के और अपने दायित्व को पूरा करना है, अपने कर्तव्य को पूरा करना है। बस यही रिक्वेस्ट है। जय हिंद।